नमस्कार मी डॉक्टर कविता राणे माझ्या कट्ट्यावर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय हिल आणि बढेकर ग्रुप पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट बँक ऑफ महाराष्ट्र चंदूकाका सराब ज्वेल्स चितळे फ्लेवर्ड मिल सुधीर माणके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार देशामध्ये सध्या निवडणुकांचा मूड आहे जागा वाटप उमेदवारांच्या नावांच्या घोषणा सध्या सगळ्यांसाठी खास चर्चेचे मुद्दे आहेत महाराष्ट्र या सगळ्या चर्चांमध्ये सगळ्यात आघाडीवर आहे आणि त्याचं कारण आहे गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी पेश केलेली खास राजकीय अदाकारी राज्यामध्ये हा सगळा राजकीय कलकलाट सुरू असताना दिल्लीमध्ये मात्र महाराष्ट्रातले काही चेहरे अगदी शांतपणे आपल्या कामाचा ठसा उमटवत होते त्यातलंच एक ठळक पण खूप चर्चेत नसलेलं नाव म्हणजे पियुष वेदप्रकाश गोयल पियुष गोयल आज आपल्या कट्ट्याचे पाहुणे आहेत अर्थमंत्री रेल्वे मंत्री कोळसा मंत्री ऊर्जा मंत्री उद्योग मंत्री अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गेल्या दहा वर्षांमध्ये पियुष गोयल यांनी भूषवलेल्या खात्यांची ही यादी मोदींच्या मंत्रिमंडळातलं त्यांचं स्थान अगदी सहज अधोरेखित करते राजकारणाचा वारसा पियुष गोयल यांना घरातूनच मिळाला वडील वेदप्रकाश गोयल वाजपेयी सरकारच्या काळामध्ये मंत्री तर आई चंद्रकांता गोयल तीन वेळा आमदार राहिल्या पियुष गोयल यांचे वडील कोषाध्यक्ष म्हणून भाजपची तिजोरी सांभाळायचे आणि त्यानंतर चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या पियुष गोयल यांच्याही ताब्यामध्ये भाजपच्या तिजोरीची जबाबदारी आली ही अशी कामगिरी करणारे देशाच्या राजकारणातले बहुधा हे पहिले पितापुत्र असावेत पक्षाचं नेतृत्व म्हणून अनेक राज्यातल्या निवडणुकांची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली पण आपल्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्वतः मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत दोन हजार पासून राज्यसभेवर निवडून जाणाऱ्या पियुष गोयल यांना यावर्षी म्हणजे दोन हजार चोवीसला भाजपनं लोकसभेच्या आखाड्यामध्ये उतरण्याचा निर्णय घेतला भाजपसाठी अगदी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या उत्तर मुंबई मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी दोन टर्म खासदार राहिलेल्या गोपाळ शेट्टींचं तिकीटही पक्षानं कापलंय वयाच्या साठीमध्ये प्रवेश करताना राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असताना आणि अवघ्या देशामध्ये मोदींची हवा असताना लोकसभा निवडणुकीचा आखाडा गोयल यांच्यासाठी सहज असणार आहे की आव्हानात्मक त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात गोयल जी खूब खूब स्वागत एबीपी माझाचा माझा माझाच माजाक कार्यक्रम धन्यवाद पीयूष जी आप पहली बार लोकसभा लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके घर में तो आपने देखा है इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं लेकिन फिर भी बीच में बहुत लंबी एक गैप है एक्चुअल ग्राउंड में उतर के इलेक्शन लड़ने की किस तरह की तैयारी क्या है मन में कितनी एक्साइटमेंट है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ, आपने मुझे ए बी पी माझा पे मौका दिया आपके साथ थोड़ी बहुत वार्तालाप करें थोड़ा बहुत गुफ्तगु करें थोड़ी बहुत पुरानी यादें <laughs> उजागर करें और आ, मैं इतना ही एक स्पष्टीकरण से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आ, मेरे वडिल के बारे में माँ के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट उन्होंने मुझे बनाने में मुझे सिखाने में बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान दिया लेकिन हमारी एक पार्टी है जहाँ पे आपको अपने कौशल्य से आपके खुद के क्षमता से काम से ही आगे मौका मिलता है मम्मी तीन टर्म एमएलए रहने के बाद 2004 में स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब रिटायर होंगी पैंसठ वर्ष की हो गई हूँ और समाज सेविका थी पहले भी और उसके बाद फिर समाज के काम में लग गई तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ उठी कि पीयूष को खड़ा करो उन्होंने कहा किसी हालत में नहीं है कोई पारिवारिक सीट नहीं है पार्टी की सीट है कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण गोपीनाथ जी प्रमोद जी ने बहुत आग्रह भी किया लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया और हमें कांग्रेस से कैंडिडेट लाना पड़ा बाबू भाई भवन जी जिनका शुरू में दादर में और हम हार भी गए वो सीट तीन बार हमारे पास पहली बार आई थी पहले कांग्रेस की सीट थी सी सुब्रमण्यम वित्त मंत्री होते थे उनको हरा के मम्मी जीती थी और सभी चुनाव मैंने ही संभाले पापा 2008 में रिटायर भी हो गए राज्यसभा से खत्म हुई टर्म और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया कैंसर से तब तक मैं मुंबई में भी कुछ छोटे मोटे पद में रहा था उससे ज्यादा नहीं काम केंद्र में किया राज्य में किया देश भर में अलग अलग जगह पे मुझे जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते अवश्य मिली जिसके कारण मैंने बहुत कुछ सीखा चुनाव लड़ना अडवाणी जी का 1989 का उनका पहला चुनाव था उसको पूरा देखा था पूरी तरीके से उनके घर पे रह के पूरा चुनाव का संचालन किया था नाइन्टी में केंद्रीय चुनाव पूरा देखा था ग्यारह अशोक रोड हमारे कार्यालय से तो चुनावी भागदौड़ कोई नई नहीं है लेकिन हर बार दूसरे के लिए किया मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि इस बार मैं स्वयं के लिए लड़ सकूं नई चीजें थोड़ी बहुत आती हैं जैसे कैंडिडेट की साइकोलॉजी तब तो हम बड़ा डांट डूट देते थे कैंडिडेट को वैसा करो वैसा करो ये नहीं करो अब ध्यान आ है कैंडिडेट साइकोलॉजी क्या होती है पर मैं इतना स्पष्टीकरण आपके व्यूअर्स को जरूर देना चाहूंगा कि 2008 तक जब पिताजी का देहांत हुआ माता जी उसके पहले रिटायर हुई एक कार्यकर्ता की भूमिका में ही काम किया इससे गोपाल शेट्टी जी हो मेरे चारों एम एल सब अतुल भातकलकर जी सुनील राणे मनीषा ताई या योगेश हमने बचपन से ही सबने साथ में काम किया तो इतनी मित्रता है कि वहाँ जिधर जाता हूँ उतने पुराने मित्र ही दिखते हैं पुराने आ, यार दोस्त दिखते हैं हमारे संघ के वहाँ के जो अधिकारी हैं वो और मैं एकदम बचपन से एक साथ रहे मैं अब पद के हिसाब से जब मैं उनको आदर सम्मान से बात करता हूँ तो नाराज़ हो जाते हैं अरे मैं विलासी हूँ <laughs> ये माहौल में काम करने का स्वाद और आनंद ही कुछ और है अपने बलबूते पे अपनी क्षमता से जब व्यक्ति को पार्टी दिल्ली लेके आती है कुछ अध्यक्ष भी बनाती है राज्यसभा भी भेजती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया दस साल सेवा करने का और वर्षों से जो इतना सीखा था चाहे वो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी या लॉ की पढ़ाई हो चाहे मैंने स्वयं का मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो उद्योजक के नाते जीवन शुरू किया कम आयु में उसकी सब कठिनाइयाँ उसकी सब समस्याएँ उसको कैसे समाधान किया फिर उसको कैसे आगे बढ़ा के बड़ा बनाया फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब का एक प्रकार से समावेश रहा ये दस वर्ष लोगों की सेवा करना देश को कुछ कुछ अपनी तरफ से योगदान देना कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को खड़ा किया है एक बार फ्रेजाइल फाइव से आज टॉप फाइव इकोनॉमी में लेके आए बड़ा आशा लेके आज देश बड़ी उम्मीद के साथ बड़े विश्वास के साथ उनके पीछे पूरा खड़ा है और उनका जो लक्ष्य है भारत को विकसित भारत सैंतालीस तक बनाने का उसके लिए जो दस वर्ष एक आधारशिला बनाने में उनका सहयोग करने का मौका मिला और अब चुनाव में जाके जनता का आशीर्वाद लेने का मौका मिला मैं समझता हूँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सीखा भी बहुत काम भी काफ़ी कर पाए जिस कारण से राजनीति में आज से चालीस साल पहले आया था मुझे लगता है कि एक प्रकार से वो सिद्ध हुआ है अब ऐसा है कि आप लोकसभा तो पहली बार लड़ रहे तो एक्साइटमेंट लोकसभा लड़ने की तो अलग होगी लेकिन अगर हम लोग जब आप पहली बार राज्यसभा के बारे में आपका नाम चर्चा में होगा आपके तक वो बातें आती होगी उस वक्त की जो एक्साइटमेंट या जो एक क्या होगा कैसे होगा वाली वो फीलिंग और आज की फीलिंग क्या है फर्क है कुछ दोनों में उस समय का मुझे अभी भी याद है एक बड़ी विशेष परिस्थिति थी, थी उस समय में मान्य नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे और मान्य गोपीनाथ राव मुंडे जी महाराष्ट्र के हमारे सीनियर मोस्ट लीडर थे और दोनों ने जब नाम प्रपोज किया तो मुझे ये जरूर आनंद आया था कि कॉन्ट्रोवर्सी के हिसाब से नाम नहीं आया और दोनों की स्वीकृति से प्रकार से यूनानिमिटी से नाम स्वीकार होकर मैं राज्यसभा में गया साधारणता क्योंकि मेरा काम का दायरा ऐसा था कि उसमें राज्यसभा में फिट होता था उस समय शायद सोचा गया होगा कि राज्यसभा में भेजें लेकिन अब इतने वर्ष के अनुभव के बाद जब एक्चुअली चुनावी रण में आना रेस में आना चुनाव के भागदौड़ और गली मोहल्ले में जाके पुरानी यादें आ रही हैं कि एंटो फिल्म में जाते थे अब अब संजय गांधी नेशनल पार्क में जाएंगे वहाँ पे सॉल्ट पैंट्स में स्लम देखते थे यहाँ वन विभाग के स्लम्स देखने को मिल रहे हैं तो एक प्रकार से सिमिलैरिटी बहुत है माटुंगा आपको ध्यान होगा एकदम कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूवेंसी है वहाँ समाज के हर वर्ग बड़ी संख्या में है और कोई डोमिनेंस नहीं है कोई एक वर्ग की कुछ मात्रा में मैंने जो उत्तर मुंबई देखा है उसमें भी समाज का हर वर्ग अच्छी बड़ी संख्या में मौजूद है तो एक प्रकार से एक बड़ी इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्युएंसी है और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें काम करने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा आगे चल के मेरा पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ भी उसी प्रकार से सेवा दे पाऊँगा जैसे आज तक अलग अलग क्षेत्र में देने की पूरा प्रयास किया है कुछ चीज़ें ध्यान में आई हैं जिस पे मैंने अपना माइंड ऑलरेडी चलाना शुरू कर दिया है कि कैसे इन चीज़ों को एक नए रूप से नई दिशा से नई सोच के साथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से कैसे हम इस क्षेत्र को एकदम उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का हमने लक्ष्य अब ऐसा है कि ये चर्चा तो काफ़ी दिनों से थी कि जो राज्यसभा में है ऐसे मंत्री इस बार लोकसभा लड़ेंगे तो ये क्यों इस तरह का फैसला लिया गया और आपको कब पता चला या बताया गया कि आपको यहाँ से लड़ना है आ, फैसला तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लिया है कि जो माननीय सांसदों के दो या तीन टर्म हो गए उनको चुनावी रणनीति में आना चाहिए जनता के बीच में जाना चाहिए समझताओं तो बहुत ही सोची समझी निर्णय पे पूरे देश में सराहना हुई है और सब खुश हैं जितने हम सब सारे खुश हैं मतलब एक्साइटेड हैं हम तो सब राज्यसभा में मिलते हैं बातचीत होती है ऐसा, ऐसा एक एक कि भी नहीं जी, है कि आप आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत अच्छी है बहुत सारे लोगों को मतलब पेट में एकदम ये हुआ होगा मैं नहीं मानता हूँ आज जो मान्य प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है जिस प्रकार की लहर पूरे देश में जितने माननीय राज्यसभा के सांसद और मैं तो नेता सदन के रहते दिन रात उनसे चर्चा मुलाकात रहती है सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं खुश हैं कुछ को नहीं मिली सीट उनको ये है कि हमें क्यों नहीं मिली और हमें क्यों नहीं मौका मिला लड़ने के लिए हमें कुछ तो रखने पड़ेंगे वहाँ पे भी लोग तो आ, मैं समझता हूँ ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको एक्साइटमेंट नहीं है खुशी नहीं है और आ, मैं अपने जन्मभूमि अपनी मातृभूमि में वापस आने का अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मौका मिला मुझे और मुंबई के मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया और मुंबई में ही काम ज़्यादा ज़्यादा कर उससे ख़ुशी की बात नहीं आपके बारे में ना तो मतलब इंग्लिश मीडिया में तो खास करके बॉम्बे बॉय बॉम्बे बॉय इस तरह की ना एक बहुत ही उन, उन, आपके बारे में मतलब उन, उनको बहुत आप अपनापन लग रहा है नाराज हो जाएंगे बॉम्बे बॉय सुन के मुंबई मुंबई बॉय तो लेकिन ये देखा हमने कि इतने सालों में आप जब से राज्यसभा गए फिर मंत्री बने अलग अलग इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज आपके पास है आप नेता राज्यसभा बने लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है इससे आप हमेशा चार हाथ दूर रहे क्यों ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं एक होता है फ्रंट फुट और एक होता है बैक रूम वर्क मुझे लगता है कि मेरा अधिकांश काम ऑलवेज बैकरूम पे ज़्यादा रहा है राधर देन इन द पब्लिक फेस मंत्री के नाते जरूर स्वाभाविक रूप से पब्लिक में ज्यादा रहते हो पर राजनीतिक कामों में जितना देवेंद्र फडणवीस जी और मेरा इंटरेक्शन रहा है दस साल अब वो शायद ही किसी और का रहा होगा जितना हम इंगेज करते हैं जितने हम लेट नाइट कॉल्स वो भी लेट्स होते हैं मैं भी लेट्स होता हूँ लेट नाइट कॉल्स करके डिस्कस करते हैं आ... किस प्रकार से महाराष्ट्र में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं क्या काम कर सकते हैं और आपने देखा उन्होंने जो लाजवाब सरकार चलाई है महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नए आइडियाज़ कई पुराने आइडियाज अब ये हार्बर लिंक पापा ने बहुत कोशिश की थी कि इस पर काम शुरू हो पर तभी नहीं हो पाया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में आज एक मुंबई के लिए क्या सौगात मिली है कि जो हमारी सबसे बड़ी कठिनाई थी कि मुंबई एक आइलैंड सिटी के नाते छोटे एरिया में इतनी बड़ी जनसंख्या डेंसिटी में एक परेशानी में लोग थे और ग्रोथ की संभावना नहीं थी आज ये ट्रांसफाबर लिंक आने से पूरा मेनलैंड जुड़ गया है मुंबई के साथ पंद्रह मिनट में आपके पास पूरा हजारों शायद लाखों एकड़ जमीन खुल गई है डेवलपमेंट के लिए तो आप कल्पना करिए मुंबई का भविष्य कितना उज्जवल है तो मेरा तो मानना है कि और सर्टनली मिनिस्टर के नाते इतना सब एक्सपोजर मिला है सरकार में इतने सारे अलग अलग विभाग में पर हर विभाग में मुंबई का कनेक्ट ऑलवेज रहा जैसे मैंने इंटरिम बजट जब पेश किया 19 में उसके बाद तुरंत अगले दिन आके मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा सबके साथ मुलाकात हुई बताया क्या करने का हमारा लक्ष्य है और उस पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लॉन्ग टर्म विजन पहली बार 2019 के बजट में ले डाउन किया था और अब 2024 के बजट में और विकसित भारत संकल्प में एक प्रकार से उन्होंने दो तक का रोड मैप अब फाइन ट्यून करके देश के समक्ष रखा है और अब तो माइक्रो डिटेल्स में वहाँ काम चल रहा है एक एक विभागशाह एक, -एक विषय शाह कि क्या हमें करना है जिससे? लेकिन पीयूष जी हो सकता है कि ये आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल में डाले लेकिन लोगों ने 19 का बजट जो आपने पेश किया था और इस बार का बजट इस बार का बजट लोगों ने उस मतलब 19 का बजट इतना एक्साइटिंग था इतना उसमें इतनी सारी चीजें थी उसके कंपैरिजन में इस वाले बजट में तो कुछ भी नहीं था बहुत ही क्रिटिसिज्म कंपेयर करके किया गया मेरे ख्याल से फिर किसी ने अच्छी तरह सुना या पढ़ा नहीं है इस साल का जो बजट था दो का ये विजनरी बजट है इसमें जो रोडमैप टू टू दिखता है आप इसकी गहराई में जाइए एक एक शब्द इस बजट का एक कहानी बताता है एक भविष्य बताता है और मैं समझता हूँ ये बजट अगर कोई स्टूडियसली उसके पूरे वर्ड बाय वर्ड सुनेगा या पढ़े पढ़ेगा तो ध्यान में आएगा कि कम शब्दों में कितनी बड़ी बातें मान्य प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने देश के समक्ष रखी है मैं समझता हूँ ये बजट बहुत ये ही। से भी अच्छा बजट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बजट पिछले बजट से बेटर होगा ये ये भी मैं कह सकता हूँ गारंटी है देश को इलेक्शन मतलब में आपके नजरों में क्या है गेम चेंजर होता क्या है इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो लोग एनालिसिस करते वक्त ये वो वो ऐसे बोल देते अभी इलेक्शन के पहले आपको क्या लगता है गेम चेंजर क्या है मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच में लोकप्रियता तो अभूतपूर्वक है लेकिन जो विश्वसनीयता है भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने 77 वर्ष में भारत की आज़ादी के बाद ऐसी लोकप्रियता पैन इंडिया देश के कोने कोने में गांव-गांव में और उस लोकप्रियता के पीछे उस विश्वास के पीछे उनका पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है उन्होंने जिस प्रकार से 10 वर्ष में तीन आधार स्तंभ पर देश की दिशा भी बदली देश की दशा भी बदली एक पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया दूसरा गरीब कल्याण और सुशासन से देश में एक नए उत्साह को जागृत किया लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया लोगों का आत्मविश्वास भी जागृत किया और लोगों को नए आशा अपेक्षा करने के लिए नए सपने देखने के लिए हिम्मत दी के छोटे सपने नहीं ये देश अब बड़े सपने देखे और सपने साकार करने का रास्ता ढूंढेगा प्रशस्त करेगा और तीसरा उनका आधार स्तंभ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर आप विश्व का कोई विकसित देश देख लीजिए उसकी जो आधारशिला रही है वो ये तीन स्तंभों पर खड़ी हुई है कि लोगों के बीच में एक इंक्लूसिव ग्रोथ लोगों तक समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे उनकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो विश्व स्तरीय जो ज़रूरतों को पूरा कर सके और जिससे कनेक्टिविटी हर प्रकार की कनेक्टिविटी फिजिकल हो डिजिटल हो हर प्रकार की कनेक्टिविटी में लोग चाहते हैं देखता कि हमारा देश अब विश्व स्तरीय बन गया है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है वाणिज्य मंत्री के नाते या उद्योग मंत्री के नाते जो मेरा संपर्क विश्व भर में रहता है मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि क्या लोगों में विश्वास है कि अब भारत ही देश है हमको भारत के साथ ही व्यापार बढ़ाना है हमारी उम्मीद भारत के साथ टिकी हुई है जुड़ी हुई है ये जो आज माहौल बन गया है पूरे विश्व में ये वास्तव में 140 करोड़ भारतवासियों के कर्तृत्व के कारण है उनकी क्षमता के कारण है और एक बहुत ही निर्णायक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही संवेदनशील नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया ये दोनों चीज जो जुड़ गई है उसके कारण ये गेम चेंजर के रूप में आज सामने थी पीयूष जी लेकिन अब मतलब मोदी जी को दस साल मिले ये जो आपने कही वो बातें मतलब वो चीज़ें करने के लिए लेकिन उससे पहले भी उनको जो एक उनके बारे में देश में जो एक माहौल बना आपको क्या लगता है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है मतलब आप इतने करीब से उनको देखते हैं क्या है कि जो बाकी नेताओं में उसका अभाव है जो मोदी जी में खूब भरा हुआ है अगर आज के परिपेक्ष में बाकी नेताओं के साथ कंपेयर करें जो देश में हम बाकी नेताओं को देखते हैं बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को देखते हैं तो तीन कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प नजर आते हैं एक तो उनकी संवेदनशीलता क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं ओ परिवार में जन्मे बहुत कठिन बचपन बीता स्कूल में कैसे पढ़ाई करना लिखाई करना घर में क्या दिक्कतें चूल्हे पे मार लगी हुई हैं पानी के लिए नदी में जाना है नहाने के लिए पैसा थोड़ा दो रुपए कमा के अपनी किताबें खरीदनी है तो रेलवे स्टेशन पे पिताजी को हाथ बटाना है चाय का अपना टेली लेके किटली लेके चाय रेलवे पैसेंजर्स को पिलानी है तो वो जो पुरानी एक बचपन की अनुभव रहता है हम सब के लिए वो जीवन भर हमारे साथ रहता है उसमें उनकी संवेदनशीलता झलकती है रेलवे के बारे में बहुत चिंता करते हैं रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के बारे में रेलवे की साफ सफाई रेलवे की व्यवस्थाएं है, बड़े सुधरें छोटे व्यापारी की बड़ी चिंता करते हैं स्वयं देखा है क्या कठिनाई होती है तो मुद्रा योजना आई उसमें से स्वानिधि योजना आई कि छोटे छोटे ठेले वाले हॉकर्स वगैरह को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं कैसे उनको मनी लेंडर के चुंगल से निकालें हर महिला को क्या कठिनाई आती है चूल्हे पे तो भाई गैस कनेक्शन हर घर तक जाए पानी के लिए लंबी लंबी दूर जाना पड़े या कतार में स्तंभ में खड़ा होना पड़े तो नल से जल घर तक पहुँचे स्वास्थ्य सेवा के लिए कभी व्यक्ति को दिक्कत आ जाए कोई घर में तो आपका जो सेविंग्स है जो ज्वारात है वो भी बेच के कभी लोन में आप ऋण में पड़ जाते हो वो दिक्कतें ना आए तो स्वास्थ्य सेवा सबकी सुरक्षित करो वैसे तो गरीबों को अनाज मिलता था पर उसको मुफ्त कर देना कोविड में दो गुना कर देना जिससे आज पूरा विश्व हैरान है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और एक भी व्यक्ति भूख के मारे नहीं मरा अब स्पेनिश फ्लू का इतिहास निकाले ज़्यादा लोग भूख के मारे मरे कम लोग स्पेनिश फ्लू से मरे और भारत आज विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में है विकसित देशों में तोड़ मोड़ हुई डिपार्टमेंट स्टोर रैनसेक हुए फूड राइट्स हुए सड़कों पे मोर्चे निकल गए लोग पड़े रह गए इलाज नहीं हुआ भारत को देख के लोग है कैसे टेक्नोलॉजी के साधन इस्तेमाल करके देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाया कोई पहाड़ में दो घर है तो दो घर भी या तो हेलीकॉप्टर या ड्रोन से वैक्सीन गए या लोग अपने कंधे पे उठा के वैक्सीन लेके दो घर के लिए पहाड़ पे हिमाचल की चोटियों में या छत्तीसगढ़ के घरे जंगलों में जाते थे बीस बीस किलोमीटर चल के अब ये संवेदनशीलता मैं नहीं समझता हूं मैंने आज तक ऐसा कोई नेता देखा है इसमें इस प्रकार की संवेदनशीलता दूसरी देशभक्ति जिस प्रकार से उनमें भारत को एक विश्व शक्ति बनाना है विश्व गुरु बनाना है जो हमारा ऐतिहासिक स्थान था जो गोल्डन पीरियड था जब हम विश्व की एक तिहाई Uh, अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनमी भारत की थी वो जो गोल्डन एज था उसको फिर स्थापित करना वो देशभक्ति फिर उसमें जुड़ा हुआ है आर्टिकल 370 और 35 ए को समाप्त करके कश्मीर को जोड़ना देश की एकता और एकजुटता को uh, स्थापित करना कैसे राम मंदिर जो देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है उसमें योगदान देना कि राम मंदिर भी बन जाए कैसे uh, इस देश में सी ए ला के जो शरणार्थी अभी भी परेशान घूम रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको कैसे भारत में खुले आम से स्वागत करना किस प्रकार से देश में ट्रिपल तलाक कानून ख़त्म करके हमारी बहनें महिलाएं माताओं को सम्मान देना तो एक देशभक्त के नाते इस देश की सुरक्षा के लिए जी जान देने के लिए तैयार होना कोई हमारे ऊपर आंख उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे वो एयर स्ट्राइक हो बालाकोट मैं मैं समझता हूँ देशभक्ति का एक नया मिसाल और ये देशभक्ति आज एक करोड़ लोगों में आ रही है लोगों को भी लग रहा है मैं भी कर्तव्य भावना से देश को आगे लेके जाने के लिए मैं भी योगदान दूँगा तो दूसरा स्तंभ उनके व्यक्तित्व का है देशभक्ति और अगर तीसरा उनके प्रशासन करने के कार्यशैली में देखूँ तो उसके तीन चार पहलू हैं एक तो परिवारवाद में जरा भी बिलीव नहीं करते हाँ आप परिवार के हो सकते हैं पर क्षमता के ऊपर आपका निर्णय होगा राजनीतिक परिवार से होने में कोई बुरा नहीं है एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने दिक्कत नहीं है पर डॉक्टर का लड़का स्ट्रेट अवे ऑपरेशन थिएटर में जाके मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पहले दिन करने के लिए अगर बिठा दें तो फिर चिंता की बात है देश को कैसे जोड़ना अब जब हम सुनते हैं कि कांग्रेस के, के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भाई जो स्वयं एक मान्य सांसद है शायद फिर एक बार कैंडिडेट भी होगा कांग्रेस का वो ऐसी बात करें कि दक्षिण राज्य जितना टैक्स देते हैं उतना हमें अगर नहीं मिला तो हम दक्षिणी राज्यों को अलग कर देंगे और देश को दो हिस्सों में बांट देंगे ये सुन के तो हैरानी आती है अगर कभी हम सुनते हैं कि जितनी जनसंख्या उतना अधिकार ये सुनते हैं तो हैरानी होती है कि इसका तो ये मतलब होगा कलकुला को कि अगर छत्तीसगढ़ झारखंड बोले कोयला हमारा है हम बाकी देश को नहीं देंगे तो हमारे को तो बिजली नहीं मिलेगी महाराष्ट्र बाकी बाकी दक्षिणों राज्यों में बिजली नहीं होगी अगर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया गेहूं तो हमारा है मध्य प्रदेश ने तय कर लिया गेहूं चावल तो हमारा है अधिकांश तो बाकी देश तो भूखा मर जाएगा अगर बंदरगाह जिस जिस कोस्टल स्टेट में उन्होंने कहा पोर्ट हमारे हैं तो कश्मीर का या झारखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल का सामान तो देश में ना एक्सपोर्ट होगा ना इम्पोर्ट हो पाएगा औद्योगिकरण खत्म हो जाएगा छोटे एमएसएमई खत्म हो जाएंगे तो ये जो छोटी सोच विपक्ष दिखा रही है उसके सामने जब इनका शासन देखते हैं जहाँ पर सबको जोड़ना देश को एकत्र एक करना कभी भेदभाव नहीं सुना होगा आपने चार करोड़ लोगों को जब मुफ्त में घर मिला तो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए गरीब से गरीब परिवार कौन आइडेंटिफाई करेगा राज्य सरकार उसमें पंचायत डेटा ट्रांसपेरेंट है कुछ गलती है तो आप आवाज उठा सकते हैं कभी किसी को पूछा नहीं गया धर्म क्या है जात क्या है भाषा क्या है आपने वोट बीजेपी को दिया या नहीं दिया वो भी नहीं पूछा है हमने देश में कैसे सम, समावेशी विकास हो वो जो मोदी जी का एक संकल्प प्रशासन करने का तरीका है बहुत गहराई से सुनते हैं हर बात को समझते हैं बहुत गहराई में जाते हैं इज अ मैन ऑफ डिटेल के प्रोग्राम करना है तो उसकी हर डिटेल हर पहलू में देखते हैं कि सक्सेस कैसे होगा और सैचुरेशन जो भी प्रोजेक्ट लेंगे क्या स्वनिधि शुरू की कैसे हम हर हॉकर तक पहुंचे हर एक का अधिकार गैस कनेक्शन एक भी घर नहीं रहना चाहिए जिसको नहीं मिले नल से जल एक परिवार ना रहे एक महिला ना रहे जिसको तकलीफ शौचालय कितना मजाक उड़ाया विपक्ष ने जब उन्होंने पंद्रह अगस्त को देश को ओडीएफ फ्री करना शौचालय देने की बात की पंद्रह अगस्त को कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करता है गेम चेंजर वो है आज हमारी माता बहनों की बेजती नहीं होती है चाहे शहर में हो या गांव में हो आप सोचिए क्या हालत होती होगी कि दिन भर आप सूर्योदय के पहले चले जाओ भाई वो भी ग्रुप में जाओ अपनी इज्जत बचाने के लिए और दिन में कोई तकलीफ हो तो यू आर हेल्पलेस मैं कल देख रहा था कल या परसों अब उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को कैसे सर्विकल कैंसर से बता बचाना उसका एक मन में अभियान ले लिया मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बार मोदी जी ने माइंड में ले लिया वो विषय समाप्त हो जाएगा देश और वैसे भी टॉयलेट होना और अच्छा पानी होना आधी समस्या तो वहाँ समाप्त हो गई है सैनिटरी पैड एक रुपए में उपलब्ध कराया हमारी बहनों के तो अगर कोई व्यक्ति ने नारी शक्ति का सही माने में सम्मान किया गरीब कल्याण के, के लिए अपना दिन रात निछावर किया युवाओं को नए अवसर देने के लिए अब स्टार्टअप इंडिया किसका आइडिया था मोदी जी का आइडिया युवाओं को अपने मौके मिले नए मौके मिले वो नौकरी के पीछे नहीं भागे आइडियाज के पीछे भागे बड़े आइडियाज बड़े आइडियाज को साकार करने में लगे किसानों के लिए दुनिया भर के कदम उठाए गए तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में समाज के हर वर्ग को समावेशी विकास देने का जो प्रशासन का इनका काम रहा है ये तीन स्तंभ में मोदी जी का व्यक्तित्व देख सकते हैं दक्षिण मराठी विचार ना मैं समझ दक्षिण आणि उत्तर भारताची तुम्ही मांडणी केली आणि तुम्ही असं म्हणालात की दक्षिणेकडची राज्य आता म्हणतायत की आम्हाला वेगळं व्हायचंय आणि मग असं जर झालं तर मग देशामध्ये मेने कोण दक्षिण का राज्य मेरा मानना है इस सोच के साथ अपने आपको नहीं। मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा नहीं है ॲसा नाही आहे कुछ नेता काय काँग्रेस कुछ नेता वक्तव्य देते तो इंडिया के ऊपर देतेचिन्ह हा पण हा प्रश्नचिन्ह जेव्हा उपस्थित होतोय तर दोन हजार चोवीस हे ते वर्ष आहे की ज्या वर्षामध्ये हे प्रामुख्यानं उपस्थित झालेलं आहे ही, ही चर्चा दोन हजार एकोणीस मध्ये आपण फार ऐकली नव्हती ही चर्चा आधीच्या निवडणुकांमध्ये आपण फार ऐकली नव्हती पण दोन हजार चोवीस मध्ये ती आपण खूप ऐकतोय आणि याचं कारण एक महत्त्वाचं हे पण आहे की दोन हजार एकोणीस ला जेव्हा डिलिमिटेशन होईल त्यानंतरचं जे चित्र दिसायला लागलंय त्याच्यामुळे आलेली ही एक चिंता आहे एक आणि दुसरी ही चिंता यामुळे आहे की जी एस टीचे जे पैसे येत आहेत ज्याचं वाटप दक्षिण आणि उत्तर राज्यांना होत आहे ते असमान प पद्धतीनं आहे म्हणून ही चर्चा आत्ता खूप मोठ्या प्रमाणावर यायला लागलेली आहे ज्याच्यामध्ये दक्षिणेतल्या राज्यांचं आणखी एक म्हणणं आहे की आम्ही लोकसंख्या कमी केली आम्ही लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवलं ही आमची चूक झाली का की आता आमच्याकडे कमी जागा असतील लोकसभेच्या उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये त्या जास्त असतील आणि उत्तरेकडे भाजपची ताकद मोठी आहे दक्षिणेकडे कमी आहे म्हणून आमच्यावर अन्याय केला जातोय तर हे नॅरेटिव्ह जे जा सेट झाले हे संसाधनांचं नाही आहे तर ते नॅरेटिव्ह लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे आणि पैशाच्या वाटपाच्या प्रमाणात आहे त्यामुळे प्रश्न उठाय बहुत अच्छा किया और मैं उमेद बी एबीपी माझा जैसा रिस्पॉन्सिबल चॅनल जो एक प्रकारचे देश मे गलत फहमियाँ ना पैदा हो वो उनकी प्राथमिकता रहती है वो इस विषय को अच्छी तरह उजागर भी करे बार बार करे लोगों तक समझाएं कि ये कितनी झूठ फैलाने का काम कुछ ये विपक्षी नेता कर रहे हैं मैं आपकी तीनों बातों को आपको बताता हूँ पहली बात तो डिलिमिटेशन से इस विषय का कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि डिलिमिटेशन जो किया जाता है वो क्षेत्र के अंदर किया जाता है अब आप मुंबई को देख लीजिए पिछली बार छः सीटें थी आज भी छः सीटें जनसंख्या बढ़ी है क्या किया गया दक्षिण मुंबई में पाँच लाख वोटर होते थे उत्तर मुंबई में पच्चीस लाख वोटर हो गए थे डिलिमिटेशन से एक थोड़ा इक्वलाइज किया दक्षिण मुंबई का विस्तार किया गया उसके वोटर बढ़ाए गए उत्तर मुंबई को छोटा किया गया उसके वोटर घटा के एक बैलेंस किया गया डिलिमिटेशन पहले भी हुई है थोड़ा रिसर्च कर लीजिए आपको ध्यान आएगा कि डिलिमिटेशन से कोई सौ सीटें नहीं बढ़ जाती है चार पांच सीटें का होता है। तो सीटें बढ़ जाती है चार पांच सीटें छह सीटें ऐसी छोटी संख्या में होती है अब जम्मू कश्मीर का हुआ डिलिमिटेशन अगर पूरे जनसंख्या के हिसाब से होता क्योंकि आपने तीसरा प्रश्न ये पूछा हमने पॉपुलेशन कम किया तो क्या हमने गलत किया वैसे तो कश्मीर में मिलिटेंट्स ने और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो वहां के उग्रवादी लोग हैं और जो वहां के राजनेता है उन्होंने तो पूरे हिंदुओं को ही भगा दिया वहां से hmm. कोई हिंदू नहीं रहा वहां पे हिंदू सब वहां से जम्मू की तरफ या बाकी देश में चले गए कश्मीर का तो एक प्रकार से एथनिक hmm. जिसमें ये सब ओमार अब्दुल्ला और ये सब नेता लोग भी एक प्रकार से आ, जस्टिफाई करते हैं कुछ उसके लिए उन्होंने किया नहीं उसके बावजूद कश्मीर आ, 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 उसके कारण कश्मीर की तो जनसंख्या कम हो गई है वैली की जम्मू की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस प्रोपोर्शन में थोड़ी डिलिमिटेशन होता है छोटा मोटा एयरफ़ेयर होता है तो ये एकदम दुष्प्रचार गलत प्रचार करने की नीति है विपक्ष की इससे दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर उन्होंने ए, ए, उनके यहाँ पे पॉपुलेशन कम भी हुई है तो उसकी वजह से कोई उनकी राजनीतिक वर्चस्व कम होगा ये एकदम झूठ प्रचार है पहली बार एक हाँ दूसरी बात जो जीएसटी की आपने कही बहुत अच्छा किया आपने पूछा क्योंकि यह भी एक पूरी गलत फहमी उजागर करने की कोशिश कभी पश्चिम बंगाल करते हैं कभी दक्षिणी राज्य करते हैं जीएसटी मैडम क्या है सभी टैक्सेस का समागम है एक्साइज भी उसमें आ गई सेल्स टैक्स भी आ गया सब कुछ कर दिया जीएसटी का वाटअप कैसे होता है जीएसटी का पचास प्रतिशत सीधा राज्य सरकार को ही मिलता है जो आप कलेक्ट करो उसका पचास प्रतिशत आपको ही मिलता है hmm. और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होने के कारण दक्षिणी राज्य तो एक्चुअली अमीर राज्य है वहां के लोग ज्यादा खर्चते हैं hmm. ज्यादा स्पेंडिंग पावर है तो वहां तो एक्चुअली कलेक्शन बढ़ रही है जीएसटी कलेक्शन एंड पे पे होती है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो उनकी तो कलेक्शन बढ़ रही है तो सीधा पचास प्रतिशत उनको मिलता है बाकी जो पचास प्रतिशत है उसमें बयालीस प्रतिशत फोर्टी टू परसेंट फिर राज्यों को जाते हैं के पास तो सिर्फ ट्वेंटी uh, नाइन परसेंट उनतीस परसेंट रह जाते हैं सौ में सेवेंटी वन परसेंट तो राज्यों को ही जाते हैं फिफ्टी परसेंट सीधा उस राज्य को जो कलेक्ट करते हैं जो बाकी 42 परसेंट ऑफ द बैलेंस वो उसका वाटअप हम नहीं करते फाइनेंस कमीशन और आज की व्यवस्था नहीं है बहुत सालों से आ रही है ये फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था वो व्यवस्था के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं किस राज्य में कितना जाना चाहिए कहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है कहाँ पे हमने क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है वहाँ पे सपोर्ट करना है जिसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं आखिर हम एफर्मेटिव एक्शन देश भर में करते ही है ना गरीबों को कल्याण करना ये 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक जमात तो है। ऑफ टैक्स तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का गलत प्रचार करके वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए मेरा विश्वास है कि कोई वोटर भारत का कोई व्यक्ति इस झांसे में आएगा नहीं उल्टे उस पार्टी को नुकसान होगा डीएमके को टीएमसी हो कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस को इसका बहुत नुकसान होगा क्योंकि भारत का जो व्यक्ति है वो इतना दानवीर होता है उसमें इतनी देशभक्ति होती है उसको इतनी संवेदनशीलता होती है कि अगर उसका टैक्स का पैसा ईमानदारी से गरीब के कल्याण में लगता है तो उसको बड़ी संतुष्टि होती है और आप 19 के बजट की बात कर रहे थे मैंने शुरुआत ही वहाँ से की थी कि ये देश कृतज्ञ है हमारे टैक्स पेयर्स का और माननीय प्रधानमंत्री जी हमें 2014 से इस बात को बोल रहे हैं जो टैक्स भरता है वो एक प्रकार से आ, अच्छा काम कर रहा है उसका एक एक पैसा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे वो सरकार के जवाब जिसके कारण डीबीटी लाए जनधन योजना लाए जिसके कारण मोबाइल चंदन और आधार कार्ड ट्रिनिटी जैम ट्रिनिटी से आज तीस लाख करोड़ से अधिक गरीबों को सीधा खाते में मिला है किसानों को हर महीने हर चार महीने में किसानों को खाते में पैसा जाता है वो तो जो कांग्रेस की निर्बलता थी उनकी कमजोरी थी कि हम सौ रुपए में पंद्रह रुपए ही पहुंचा पाते हैं बाकी उन्हीं के दलाल उन्हीं के भ्रष्टाचारी खा जाते थे पचासी परसेंट हमने कभी अपने आप को कमजोर नहीं देखा हमने हर समस्या का समाधान किया तो मैं समझता हूँ ये मोदी जी की विशेषता है वो रोते नहीं हैं मेरी प्रॉब्लम है वो समाधान करते हैं वाइट पेपर हम चौदह में ला सकते थे पर्दाफाश कर सकते थे कांग्रेस का नहीं लाए क्योंकि हमारी कमजोरी देश की कमजोरी कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं था हमने उसका समाधान करना था और वो हमने किया आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की ईर्ष्या का कारण बन गई तब जाके लोगों को बताया देखो ये मिला था और ये हमने करके दिखाया तो ये सरकार समाधान करती है और फाइनेंस कमीशन अपनी जिम्मेदारी करती है इंडिपेंडेंट कमीशन है उसमें कोई हमारी पार्टी का आदमी या हमारा आदमी उसमें कोई प्रभाव करके हमारे राज्यों को ज्यादा मिल जाए दूसरे को कम मिले नहीं कर सकते फाइनेंस कमीशन जब करती है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से सब निर्णय होता है उसके हिसाब से इसका वाटअप होता है तो ये बेबुनियाद बात करके देश को भ्रमित करने की जो कोशिश करते हैं मेरी उम्मीद है एबीपी माजा इसमें लीड लेगी जिसको बाकी पूरी मीडिया दे, भी देख के उनको फॉलो करना पड़ेगा पीजी, जी पीजी, आप... ऐसा है कि आप अभी जो बता रहे थे मोदी जी के बारे में और देश के बारे में सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है कि देश आ, प्रगति पथ पर है देश के बारे में परसेप्शन परसेप्शन चेंज हो रहा है दुनिया में चेंज हो रहा है लेकिन ये सब सुन के जब मैं ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रेन आ, लेने के लिए जाती हूँ तो मैं चढ़ ही नहीं पाती इतनी भीड़ होती है कि चढ़ने चड़, का मुझे डर लगता है फिर बाय रोड जाओ तो मुझे चालीस मिनट का जो वक्त है उसके लिए डेढ़ घंटा पौने दो घंटे लगते हैं उसके बाद कुछ आ, मुझे अगर शॉपिंग करना है खरीदी करनी है तो इतनी बड़ी महंगाई मैं टैक्स पेयर हूँ लेकिन मेरा जीवन मान जो है जो मेरी बेसिक नीड्स है रोज़ मुझे जो ट्रैवल करके ऑफिस आना पड़ता है वो चेंज नहीं हुई मुझे ट्रेन का अच्छा ट्रैवल नहीं मिला यहाँ पे हम मुंबई में जोक्स मारते हैं कि विंडो सीट मिलना म, मतलब जिंदगी में एक बार या दो बार ही मिलती है हाँ तो, अभी रोज होता है

कॉलेज के लिए भी मेरी फैक्ट्री के लिए भी वहां से वेस्टर्न रेलवे लेके चर्च गेट कॉलेज कॉलेज सीए करता था तो लालबाग के लिए सेंट्रल रेलवे लेता था जब मैंने फैक्ट्री डोंबिवली लगाई तो सेंट्रल रेलवे से डुमली डुमबिवली जाता था <laughs> पूरी आपने रिसर्च कर रखी है एक्सपैंड <laughs> किया नवी मुंबई में तो हार्बर लाइन से uh, नवी मुंबई जाता mm -hmm. था वाशी जाता वाशी. था या, एरोली जाने के लिए तो ये समस्या कोई आज की नहीं है समस्या वर्षों से चले प्लीज मेरी बात तो खत्म मैंने पूरा सवाल आपका सुना लेकिन इसका समाधान कभी हुआ था कभी मेट्रो लाई गई इतने बड़े पैमाने पे जो आज मोदी सरकार और फडनवीस सरकार लाई थी इतनी सारी मेट्रोज का जाल आप समझिए उस समय की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में मुंबई में चार गुना बढ़ गया है, तीन गुना बढ़ गया क्यों बच्चे हुए आप अभी भी ट्रैवल इससे कर पाते हो कि मेट्रो आ गई आपने कभी कल्पना की थी कि कोस्टल रोड बनेगी यहाँ पे आपने कल्पना की थी कि सब रोड सीमेंट कॉन्क्रीट हो जाएंगे आपने तो सोचा था हर साल बारिश में रोड टूटनी है फिर हजारों करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को जाएंगे ये मोदी सरकार का निर्णय था प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में फडनवीस शिंदे ने निर्णय लिया फिर अजीत पवार भी आ गए कि सबको रोड्स को, को वंस एंड ऑल सीमेंट कॉन्क्रीट कर आपने कल्पना की थी कभी ऐसे एक्सप्रेस गडकरी जी ने एक बनाया था उसके बाद थप कांग्रेस आई थप हम आने के बाद अब मुंबई से दिल्ली अब बारह घंटे में बारह घंटे में सिर्फ हजार रुपये आपको चार्जिंग का खर्चा लगेगा इलेक्ट्रिक कार से चार लोग एयर कंडीशन कंफर्ट में आ सकते हो मुंबई के लिए रेलवे के लिए जितना पैसा मोदी सरकार ने दिया आप इतिहास में निकाल लो किसी ने भी दिया उतना जितना विस्तार चल है समय तो लगता ही है लैंड है नहीं लैंड के बगैर एक्सपेंड करना है अब यहां तक आ गया है कि एक सेकेंड भी रेलवे की फ्रीक्वेंसी में हम बदल नहीं सकते मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकली जितना पीक कर सकते हैं वो कर दिए फिर भी एयर कंडीशन रेलवे लाने का किसने पहले सोचा था मोदी जी ने सोचा शुरुआत हो गई थी फिर मेरे समय पे आपको याद होगा कितने बड़े पैमाने पे ऑर्डर किया हाँ, पैंसठ हजार करोड़ रुपए मुंबई को दिए ओनली फॉर मुंबई रेलवे सब आज तक किसी सरकार ने मुंबई सबर्बन को कभी इतनी इज्जत दी इतना निवेश दिया है क्या गोरेगांव तक हार्बर लाइन आ गई है हमें उम्मीद है कि इसको भी ओवरहेड लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जमीन तो मिलेगी नहीं तो इतने एस्केलेटर आपने कभी रेलवे में देखे थे इतनी लिफ्ट जो मेरे समय पर लगी आपने कभी देखी थी अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे चल रहा है उसमें मुंबई के स्टेशन भी मॉडर्नाइज होंगे बाइकला जाके देखिए जो हमने री क्रिएट किया हेरिटेज पुराना बाइकला का सफाई कभी ऐसी देखी थी आपने मुंबई के ट्रैक्स पे रेलवे स्टेशन तो कर ही दिए ट्रैक्स पे कभी ऐसी सफाई देखी थी मैं स्वयं रात रात भर ट्रेन से चेक करता था वो लोग लेबर लेबरस काम था क्योंकि ट्रैक को साफ करना कोई मशीन से नहीं कर सकते वो पत्थर भी हैं उसमें बो, बोल्डर्स भी हैं तो आपको हाथ से एक एक उठा के गनी बैग में डाल के लाखों ट्रक मैडम लाखों ट्रक हमने कचरा निकाला था जो कांग्रेस की इतनी सारी सरकारों ने छोड़ा था मुंबई के ट्रैक्स के ऊपर तो आपकी बात सही है कि तकलीफ है लेकिन हम समाधान कर रहे हैं और समय तो लगता है सब चीज़ें करने में आज भी ट्रैफिक इतना है पर हमें दिखता है ना कि रोज मेट्रो का विस्तार हो रहा है सीमेंट कॉन्क्रीट हो रही है सुएज की इतनी प्रॉब्लम आपने बताया नहीं कि आपके घर में आपको दिक्कत नहीं लगती थी कि पानी कैसा है मैं जो पी रही हूँ जो मेरे घर पर आ रहे हैं इतने सालों से सुएज ट्रीटमेंट की बात हो रही थी सरकारें आई गई किसी ने नहीं किया हाँ बीजेपी सरकार ने आके अब फाइनली सुएज ट्रीटमेंट के प्लांट्स का कितना तीस हजार करोड़ या कितना खर्च रहे सुएज ट्रीटमेंट के मुंबई वा, वासियों को और हम सबको आपको मुझे अच्छा पानी मिले तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस है ये हम सबके भले के लिए आपकी जानकारी के लिए आपने महंगाई की थोड़ी सी बात की हाँ। आप बताइए साढ़े सत्ताईस रुपये में आटा किस सरकार ने कभी आज तक सोचा आपको मिले उनतीस रुपये में चावल साठ रुपए में चना की दाल प्याज के दाम महंगे होते थे कभी सरकार ने कोशिश की आपके द्वार पे आके मोबाइल वैन रख के आपको पच्चीस रुपये में प्याज मिले या जब टमाटर बढ़ गया था तो साठ रुपये में टमाटर मिले मोदी सरकार ने साढ़े अट्ठाईस हजार करोड़ साढ़े अट्ठाईस हजार करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में डाल के पदार्थे जनता को सस्ती मिले आज बीस हजार आउटलेट में ये सब पदार्थ सस्ती मिलती है जिससे पूरे मार्केट को स्टेबलाइज़ किया जब विश्व में तेल का क्राइसिस आया भारत में नहीं आया थोड़े दिन तक आया हमने तुरंत एक्शन लिया और आज तेल के दाम फिर पुराने हो गए रादर अब तो तीन साल चार साल पुराने पांच साल पुराने दाम पे आ गई है सब थे तो ये एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है हमारे गृह मंत्री के अंडर एक समूह मंत्रियों का समूह हर थोड़े दिन में बैठता है एक सेक्रेटरीज का समूह हर हफ्ते बैठता है एक चीज में जरा भी इधर उधर दिखती है वी आर ऑन इट और केंद्र सरकार ऐसा रिटेल इंटरवेंशन करे आप ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं भारत दाल भारत आटा 20,000 देश भर में मोबाइल वैन केंद्र के आउटलेट ऐसे बीस हो गए पीयूष जी आप जिस चुनाव क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं सबसे सेफेस्ट सीट है वहाँ पे मतलब सिर्फ दो बार छोड़ के बीजेपी के कैंडिडेट चुन के आए हैं वहाँ पे इस बार गोपाल शेट्टी दो बार थे लेकिन उनका पत्ता कट करके आपको टिकट दे दिया तो वहाँ पे अभी ऐसी कौन सी सुविधाएं जो बाकी है जो भाजपा आज भाज़ तक नहीं कर पाया और गोपाल शेट्टी की नाराजगी आपने कैसे दूर की पहली बात तो गोपाल शेट्टी को जरा भी नाराजगी नहीं थी जब मेरा टिकट अनाउंस हुआ और तभी मुझे मालूम पड़ा तब तक तो हमें किसको मालूम नहीं था उसके कुछ ही मिनटों बाद मेरी गोपाल जी से बात हुई और उन्होंने मेरा तो चालीस साल का मित्र है चालीस साल का हमारा साथ है उन्होंने कहा पीयूष जी इस बार आपको लड़ना है मेरा पूरा समर्थन है मैं आपके साथ रहूंगा आप कब आ रहे हो मैं आपको रिसीव करने आऊंगा और रेलवे स्टेशन पे बोरीवली पे रिसीव किया साथ में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भाषण दिया हम सबको प्रोत्साहित किया और अभी भी मेरे कार्यक्रमों में साथ रहते हैं ये हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो आपने शब्द इस्तेमाल किया पत्ता कट गया ये आपके मीडिया वीडिया के हिसाब से ठीक होगा हमारी पार्टी में हम सब कार्य करते हैं कल मुझे एक मीडिया ने पूछा कि आप तो अब लीडर ऑफ द हाउस नहीं रहोगे राज्यसभा में मैं कहा वो तो आ, हमारी पार्टी में हम सब कार्य करते हैं जो पार्टी निर्णय लेती है सर आंखों पर और हमारे लिए तो आनंद की बात है और हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें मेरे तो उस कहा न मेरी माँ तो खुद रिटायर होके गई पैंसठ हो गई थी हमारी पार्टी में ही। नया ब्लड आता रहे चेंज हो ये एक लगातार प्रोसेस है किसका पता नहीं करता अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है और हम सब एक कार्यकर्ता का में काम करते रही बात उत्तर मुंबई की उत्तर मुंबई सेफ सीट आपने जरूर कही लेकिन हम कोई चीज को सेफ नहीं, सीट नहीं मानते हर एक सीट में सम्मान करते हैं मतदाताओं का मतदाता सर्वोप्रिय होता है मतदाता को जो जरूरत है वो हमारे लिए एक प्रकार से हमारा धर्म है तो सेफ सीट है और मैं बैठ के उसमें कुछ करूंगा नहीं ऐसा नहीं होता है मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जैसे मेरे मन में वर्षों से इच्छा थी कि कैसे मुंबई को स्लम फ्री करें क्योंकि मैं साइन में रहता था धारावी बाजू में ही था मम्मी के एरिया में एंड पूरे सॉल्ट पैन लैंड्स पे थी जो सॉल्ट पैंस आज मेरे अंडर है तो और मेरे पिताजी हर बार मुझे ये कहते थे कभी इनको सोचना मत के बड़े खुशी खुशी रहे ये मजबूरी है किसको अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों को इस हालत में देख तो जीवन भर मेरे मन में इच्छा रही है कि कैसे हम स्लम फ्री बना सकते हैं तो मैं तो अभी उत्तर मुंबई को एक प्रयोगशाला के रूप में देखूंगा कि कैसे मैं उसको एक स्लम फ्री एरिया बना सकूं और स्लम फ्री यानी उनको अच्छा घर मिले सम्मान का जीवन मिले उनके आगे आने वाले बच्चे पीढ़ियों को इज्जत मिले वहीं पे रहने को मिले उसी क्षेत्र में रहे, और उसी क्षेत्र में उनके उनका भविष्य निर्माण हो ऐसे ही मुझे लगता है हेल्थ फैसिलिटीज स्वास्थ्य सेवाएं, जरूर वहाँ पे संभावना है कि एक सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज जो विश्व स्तरीय हो वहाँ मिसिंग है लोगों को दूर जाना पड़ता है अच्छी सेवाओं वो एक मेरे मन में कल्पना है इसी प्रकार से वैसे तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पर लेकिन म्यूंसिपल स्कूल्स जो रह गए क्या मैं उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह जोड़ के उस स्तर तक ले जाऊं जो प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन देती है उनका भी अधिकार है एकदम बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिले और कई म्यूनसिपल स्कूल्स ख़त्म से होते जा रहे हैं उनको हमने वापस जीवित करने इसी प्रकार से आधारभूत मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कैसे वहाँ पे सुधर सकती है ट्रैफिक में क्या हम ऑपरेशन रिसर्च ओ आर टेक्नोलॉजी ए आई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करके या ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ट्रैफिक मैनेजमेंट हम बेटर कर सकते हैं कई सारे विचार हैं अभी तक हमने कई सारे विभाग देखे हैं जिसका लाभ मैं उम्मीद करता हूं उत्तर मुंबई को मिलेगा ओ आर मैंने रेलवे में बहुत यूज़ किया था टाइम टेबल आप याद करें तो एकदम गाड़ी का स्विट्ज़रलैंड जैसे एकदम बोलते हैं कि टाइम पे गाड़ियाँ आती है हमने उस पर बहुत फोकस किया आईआईटी के साथ मिलके ओआर टेक्निक्स इस्तेमाल किए थे और पूरा टाइम टेबल रीराइट किया था मुंबई आईआईटी के साथ मुंबई मुंबई मेरा जुड़ाव पूरा कंटिन्यूस रहा है वोल सर आप रेलवे मंत्री रह चुके हैं इस देश के और आजकल देखा जाए तो रेलवेज में ए सी की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ ही एसी कोचेस की जो संख्या बढ़ती है उसके साथ उसके रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं एसी के थर्ड एसी के आज मिनिमम रेट्स 2000 से दो बाईस के रेंज में आते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि साथ ही साथ स्लीपर कोचेस उनकी संख्या कम होती जा रही है लाइक थर्ड एसी के जैसे डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं 2000 से बाईस मिनिमम आज की थर्ड ए की कीमत है सेकेंड ए और फर्स्ट ए की सो फर्स्ट uh, ए की उससे ही ज़्यादा ही है तो सामान्य नागरिक जो अगर ए में ट्रैवल करना चाहे तो उसके लिए आप क्या योजनाएं देखिए भाई साहब जैसे जैसे देश में आमदनियाँ भी बढ़ती हैं तो लोगों की आशा अपेक्षा भी बढ़ती है लोग अपनी सुविधाएं भी बढ़ाना चाहते हैं मैं तो अपना ड्राइवर का उदाहरण बताना चाहूँगा मेरे ड्राइवर ने हवाई जहाज़ से वो अपने गाँव गया एक बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स लाए हैं उससे हवाई जहाज के दाम कम हो गए मैंने उसको पूछा है तो हवाई जहाज से क्यों गया है ट्रेन तो जाती है उसने कहा कि नहीं अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मुझे बच्चों को भी ले जाना था और मेरे तीन दिन का जो सफ़र होता था अब मैंने आधे दिन में कर लिया और आधे दिन से मैं ढाई दिन जो बचे मैं ढाई दिन और काम करूंगा तो मेरी तो जो खर्चा हुआ उससे ज़्यादा तो मेरी सेविंग हो जाएगी ढाई दिन जो मैं ट्रैवल में नहीं लगाऊंगा और उसकी परेशानी अलग उसमें खाना पीना रास्ते भर में ये वो उतना टाइम मैं परिवार को वहाँ दूंगा वापस आके काम पे लगूंगा और ये तीन चार साल पहले की बात जैसे जैसे आमदनियां बढ़ रही हैं जैसे जैसे आखिर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले हैं उनकी आशा अपेक्षाएं सुध बढ़ी हो गई आज लेबर भी चाहती है कि हम सुख सुविधा से अपने गांव जाएं। तो जो थ्री टायर ए की डिमांड है भाई साहब वो मैक्सिमम है जो मान्य सांसद आते हैं बोलते हैं मुझे थ्री टायर ए की गाड़ी दे दो मेरे एरिया में डिमांड बहुत बढ़ रही है तो स्वीपर की कोई ट्रेन कम नहीं किए वो गलत मत दीजिए आपके श्रोताओं को स्लीपर की ट्रेन उतनी है उसमें भी सुविधाएं सुधारना का काम रेगुलर चलता है सब पुराने डब्बे अभी एल एच कोचेज जो जर्मन डिजाइन के सेफ और मॉडर्न कोचेज है उससे रिप्लेस हो रहे हैं तो स्लीपर भी बड़ा हो जाता है जगह भी ज़्यादा रहती है सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है तो रेलवे इज कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग पर समाज के हर वर्ग को इस्तेमाल कर सके ऐसी रेलवे हम बना पियुषजी माझा प्रश्न हा डॉन बॉस्को बॉयल आहे <laughs> माझा प्रश्न हा एकेकाळच्या आमदार चंद्रकांता गोयल यांच्या मुलाला आहे कारण दडकर मैदानासारख्या का छोट्या छोट्या मैदानाचे प्रश्न देखील सोडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला मी पाहिलेला आहे तुमच्या विजनमध्ये आज तुम्ही मुंबईचे होणारे खासदार आहात या मुंबईत अनेक प्रोजेक्ट्स येत आहेत पण ते प्रोजेक्ट्स येताना मुंबईतल्या जे मोकळे भूखंड किंवा मोकळी मैदान आहेत त्याच्यावर समस्या येऊ हो तुम्हारा विजन मध्य स्पोर्ट्स साठी किंवा खेळाच्या मैदान काय योजना मी भूल गया ये भी मैंने ऑलरेडी अपने एरिया में डिस्कस किया अपने लोगों से गोपाल जी से भी बड़े विस्तार से इसकी डिस्कशन हुई है आ, बहुत अच्छा प्रश्न है धन्यवाद आपने याद दिला दिया मुझे मैंने गोपाल जी को कहा कि क्यों ना हम जैसे सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स गांधीनगर में बना है और उसमें क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है क्यों ना हम उत्तर मुंबई में एक ऐसा कुछ बड़ा प्रकल्प सोचे स्पोर्ट्स का जमीन की क्या स्थिति रहेगी तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उनके माइंड में दो तीन ऐसी जगहें हैं एक प्रमोद महाजन आ, के नाम पे एक मैदान है एक और उससे भी बड़ा मैदान उन्होंने नाम लिया था दो ऑल्टरनेटिव जगहें उन्होंने बताई कि मेरे पास माइंड में है इनफैक्ट uh, गोपाल जी कह रहे थे मुझे कि अगर आप आते हो और आप ये सब बड़े प्रोजेक्ट लाते हो तो हमारे तो उत्तर मुंबई का उद्धार हो जाएगा तो वो बड़े खुश हुए सुन के और उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह है और मैंने कहा आपके पास जगह है तो प्रोजेक्ट लगाना मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे मन में है कि उधर बड़े कॉम्प्लेक्स लगे इसी के जुड़ा हुआ एक और चीज़ मेरे मन में है। आपने भारत मंडपम देखा होगा जहाँ जी का लीडर सबमिट हुआ और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स आज वहां विश्व स्तरीय एग्जिबिशंस और कॉन्फ्रेंसिस हो रही है भारत टेक्स हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन यशोभूमि और भारत मंडपम दो बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं दिल्ली भारत मोबिलिटी हुआ पहली बार दुनिया में मोबिलिटी यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर का एंड टू एंड पूरा क्षेत्र एक जगह पर पूरा मतलब फ्रॉम स्टील टू मार्केटिंग टू डिजाइनिंग ऑटो कंपोनेंट्स, टायर्स सब एक जगह पे कभी नहीं विश्व में आए वो भारत में हुआ स्टार्टअप महाकुंभ हर सेक्टर का ए आई फिनटेक मेडटेक बायोटेक हर एक सेक्टर के स्टार्टअप इनोवेटिव प्रधानमंत्री जी तक खुश हुए देख के और जो वाइब्रेंसी थी उस पूरे कार्यक्रम में मैंने कहा क्यों ना मुंबई में भी माइस यानी ये मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेज एग्जीबिशंस की जो फैसिलिटी होती है ऐसी कुछ एक बड़ी फैसिलिटी प्लान करें तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं बहुत बड़े बडे मेरे उम्मीद है कि उत्तर मुंबई का हम पूरी नक्शा बदलेंगे उसको एक ऐसा प्रदेश एरिया बनाएंगे जो उन्नत मुंबई का प्रतीक बनेगा तुम्ही अशा जनरेशनचं प्रतिनिधित्व करताना ज्यांनी भाजपची आधीची पिढीही बघितली आहे आणि आम्ही असं ऐकतो की त्या काळात माणसं फायव्ह स्टार हॉटेल्समध्ये उतरायचे नाहीत आपले जे सहयोग सहयोगी असायचे त्यांच्या घरी उतरायचे आम्ही असं ऐकलं की वाजपेयी किंवा कुठलेही मोठे नेते आले की वेदप्रकाश गोयल यांच्याबरोबर त्यांच्या घरी चंद्रकांता गोयल यांच्या घरी उतर तर त्या पिढीला तुम्ही मोदींबरोबर होतात हां प्रभावी दहा पण आम्हाला त्या पिढीविषयी ऐकायला जास्त आवडेल की अटल बिहारी ज्यांचा सहवास कदाचित तुम्हाला लाभला असेल ऐसे मेरे को तो बचपन से उनका सानिध्य मिला सबसे पहली बार जब हमारे अब वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि मैं मित्रता बोलूं तो गलत होगा पर वास्तव में वो पर वास्तव में मित्रता हमारी जिस दिन शुरू हुई उस दिन आपको शायद ध्यान होगा खांडेकर जी को तो भली बात ही मालूम है श्रद्धे अटल जी दोपहर को भोजन के बाद चाहे दस मिनट मिले प्रेफरेबली वन आवर विश्राम करते उनका वो नहीं करो तो फिर वो बड़े दिन भर चिड़चिड़े रहते थे <laughs> वो आधा घंटा दस मिनट एक घंटा मिल जाए तो फिर फ्रेश थे रात को अब तीन बजे तक उनको घुमाओ तो विश्राम करने कमरे में गए हुए थे मैं सात साल सात आठ साल का बच्चा रहा हूँ फिर मम्मी पापा भी अपने रूम में चले गए और मैं हॉल में और हमारे हॉल में कारपेट था वॉल टू वॉल कारपेट था तो मैं कंचे खेल रहा था मार्बल्स <laughs> अकेला बैठा हुआ सात आठ साल का बच्चा दोपहर को सोता नहीं है मैं मार्बल खेल रहा था और हम मार्बल नॉर्मली इस हाथ से करते लगा रहा था मेरे को आती नहीं थी आई एम वेरी बैड एट मार्बल्स एट एक्चुअली आई एम नॉट स्पोर्ट्स पर्सन मैं कर रहा था मैंने देखा नहीं कब वो उठे और थोड़े यू <laughs> <आ, आ, आ, laughs> नो पर्सनैलिटी थी तो अपना आए होंगे पीछे और मुझे देखते रहे मेरे को ध्यान नहीं आया मैं ट्राई कर रहा हूँ हुआ ही नहीं फिर पीछे से मुझे टैप किया तो मैं एकदम चौंका तो मुझे साइड में क्या एक पुफी थी वहाँ उस पे अपना आके बैठे मेरे हाथ से कंचे लिए मार्बल लिया और मुझे अब कैसे कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एक फ्लैशबैक माइंड में परमानेंट रहता है इमेजिन आई वाज ओनली सेवन एट इयर्स ओल्ड उन्होंने ऐसे अपने हाथ किया और ये उंगली इस्तेमाल की मुझे अभी तक याद है और आठ फुट दूर को मारा स्पॉट ऑफ और मैं उनका फैन उस दिन बन गया और वो हमारा रिश्ता उस दिन से लेके आखिरी क्षणों तक वो रिश्ता कभी बदला नहीं मैं उनको चाचा जी बोलता था और एक्चुअली वो जो परंपरा थी घर में रहने की वो बहुत बढ़िया थी जो आत्मीयता की भावना और हम सबको जो सीख मिली हमारी जो ग्रूमिंग हुई हमारे में जो देशभक्ति आई हमारे में जो संवेदनशीलता आई जो भारत की फैमिली वैल्यू सिस्टम्स हमने सीखे हमारी अस्मिता को पहचाना आ, एक प्रकार से सांस्कृतिक ग्रूमिंग इसके कारण बड़ी अच्छी हुई और यहाँ तक फिर हमारी हो गई थी कि हमारी एक रिश्ता ऐसा बन गया था कि जब भी वो आते थे घर पे ठहरते थे तो रात को तब तो कैंपेनिंग दस बजे बंद नहीं होता था और दूर दूर कभी नासिक गए कभी पुना गए ये वो तीन बजे दो बजे रात को आए और थके हुए आते थे तो हमारा रूटीन था कि वो लेटते थे थके हुए मैं उनका सिर दबाता था हाथ दबाता था पाँव दबाता था आ... वो कौन सी क्रीम लगाते थे हम थोड़ी स्मेल बड़ी स्ट्रांग होती है पेन अम्... की अमृतांजन अमृतांजन बाम की जैसी क्रीम लगाता था तब आयोडेक्स नहीं थी ज्यादा अमृतांजन बाम वगैरह लगाते थे और क्योंकि उसकी स्मेल बहुत होती थी अभी तक याद है मुझे और तब वो पूछते थे घर पे क्या हो रहा है <coughs> भाई बहन का क्या चल रहा है मेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है मुंबई में लोग क्या बात कर रहे हैं युवा युवती क्या बात कर वर्षों तक चला मैं जैसे से बड़ा हुआ ये रिश्ता बदला नहीं कि भाई तुम्हारे काम कैसा चल रहा है कॉलेज में क्या बात होती है सी की पढ़ाई कैसे हो रही है लोगों आपस में लोग क्या बात करते हैं वो फीडबैक लेते थे कि समाज में क्या चल रहा है और इट वॉज इट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जिसने मुझे लगता है आज मुझे जो भी मैं हूँ वो बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया सर इथिकल पॉलिटिक्स की हमेशा बात होती है लेकिन ये महाराष्ट्र में पिछले डेढ़ साल में जो तोड़फोड़ की राजनीति हुई उसको आप कैसे देखते हैं मुझे दुर्भाग्य दिखता है कि कुछ नेता सिर्फ अपने परिवार के सदस्य के अलावा आगे देखते ही नहीं है और आप स्वाभाविक है कि अगर एक बड़ा नेता का कोई कार्यक्रम है और दूसरा बड़ा नेता बड़ा मंत्री उस कार्यक्रम में है परंतु उसको छठे स्थान पे खड़ा करोगे और तुम तुम्हारे परिवार के चार सदस्य तुम्हारे दो सहयोगी सेंटर में हैं और सीनियर लीडर जो खप खप के पार्टी को सींचा है जिसने उसको आप छठी कड़ी में खड़ा करोगे तो ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पसंद नहीं आती और शायद मैं समझता हूँ उनके खुद के जो कॉन्ट्रोडिक्शंस रहे इन दोनों पार्टियों के उसके कारण ये नेता को बाहर जाना पड़ा पार्टी तो इंटैक्ट रही शिवसेना एक नाथ शिंदे के साथ रही बस एक नेता और उनके परिवार को बाहर कर दिया सिमिलरली पूरी पार्टी तो अजीत दादा के साथ है एनसीपी तो वो ही है पर जो नेता का मोह था वो पारिवारिक मोह ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया तो पार्टी में तोड़फोड़ नहीं रही है पार्टियां तो इंटैक्ट है कुछ व्यक्ति पार्टी से बाहर हो गए आप एकदम इलेक्शन कमीशन जैसे बोल रहे हैं <laughs> जो वास्तविकता है <laughs> इलेक्शन कमीशन हो आप हो या मैं हो वास्तविकता से कहा भाग सकते हैं लेकिन फिर वो अगर वो... सभी एम सभी एम पी शिवसेना के अगर इतना शिंदे के साथ है अधिकांश सभी एम दादा के साथ है तो उसमें कोई मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मेरी टिप्पणी कर सकते नहीं, नहीं इसलिए मैंने बोला बस एक ही पूछना था वो जो वॉशिंग मशीन है उसके बारे में आपका क्या कहना है कौन सी है मेरे घर पे वॉशिंग मशीन पास जो है मेरे घर पे वॉशिंग मशीन खांडेकर जी 1984 में आई थी इसलिए प्रसंग सुना रहा हूँ कि शिवसेना का पहला जो हमारा गठबंधन बना वो मेरे घर में साइन में बना था अच्छा। 1984 के चुनाव में 84 के चुनाव में माननीय बाला ठाकरे जी मेरे घर पे सायन आए थे अटल जी रुके हुए थे सो रहे थे अंदर कमरे में जब बाड़ा साहब आए तो बाड़ा साहेब हॉल में बैठे थे वो भी दिन मेरे को एकदम जैसे कल हुआ वो याद है मैं अंदर गया अटल जी को उठाने के लिए और बाहर लाने के लिए पूछ रहे थे कैसे लगते हैं क्या है वो हमारी बात बात जो प्राइवेट थी वो हुई तब तक बाड़ा साहेब बैठे थे तो मेरा भाई साथ में था भाई तभी तभी, तभी विदेश से आया था तो वो जाके उन्होंने घर देखा मेरा पूरा उधर वॉशिंग मशीन और ड्रायर था तो साहेब ने पूरी वॉशिंग मशीन खोली देखा आ, कैसे चलती है पूछा तब नई चीज थी तो ये प्रसंग मैंने कई बार बताया लोगों को तो हमारे घर में तो 84 में वॉशिंग मशीन आई थी जो साहेब ने देख के बड़ा आकर्षण था उनको उस चीज का फिर अगली शेवटचा प्रश्न आपण थोडक्यात विचारते कारण <laughs> वेळ भरपूर झालेला आहे तुम्ही अटलजींच्या आठवणी हो सांगितल्यात अटलजींचं एक खास वैशिष्ट्य होतं की त्यांचं जे वास्तव्य होतं किंवा त्यांचा जो व्यवहार होता हा फक्त भाजपपुरता नव्हता सगळ्या पक्षांमधल्या सगळ्या नेत्यांना सोबत घेऊन जाण्याचं आणि ते तसं सरकार चालवण्याचं चा शिवधनुष्य त्यांनी पेललं तिथपासून प्रवास भाजपचा आता आला ते बहुमताचं भाजपचं सरकार आहे आत्ता देशात जे सध्या चाललेलं आहे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाचं खाती गोठवली गेलेली आहेत दिल्ली मदली, मुख्यमंत्री सध्या अटकेमध्ये आहेत हे सगळं सुरू असताना हे म्हटलं जाते की भाजप दहशतीचं राजकारण करत आहे हे होत आहे मित्रता सबके साथ है हमारी आज भी मित्रता कॅमेरा बंद होता राज्यसभा लोकसभा उसके बाद आप आके देखिए एक बार मिस्टर गॅलरी से क्या महोल होत आहे मित्रता सबकी सबके साथ जिन लोगोने गलत काम किया कानून उनको, कानून उनको लॉ विल कियाॅचअप आप अगर गलत काम करोगे तो कानून अपना काम करेगा और मैं समझता हूँ इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है सरकार का कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक दलों का कोई नेताओं का लेना देना नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कानूनी व्यवस्था है उसके हिसाब से होता है हमें बिना बात का आप आरोप प्रत्यारोप कितना भी लगा लो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है जो लॉ ऑफ द लैंड है दैट विल प्रिवेल अगर आपने कुछ गलत काम किया अब नेशनल हेरल्ड है आप जो सिपाही कर सकते हैं जो नेशनल हेरल्ड में किया गया है कि एक करोड़ रुपए में एक हज़ार करोड़ की संपत्ति कांग्रेस का पहला परिवार जब्त कर ले जो संपत्ति हमारी है देशवासियों की है। मुफ्त में दी गई है नेशनल हेरल्ड को एक न्यूज़पेपर चलाने के लिए और वो उठा के कुछ पता नहीं क्या हेर फेर किया अकाउंट्स का हमारी तो समझ और सोच के बाहर है और करोड़ या कितने रुपए में दिखा के वो भी पैसा कहाँ से आया तक बता नहीं पाए उससे एक पूरे हज़ार करोड़ की संपत्ति ले लें तो क्या कानून को चुप रहना चाहिए क्या पॉलिटिशियंस के रहे? अलग कानून होना चाहिए जैसा कांग्रेस के उपनेता राज्यसभा में क्या कहे थे प्रमोद तिवारी जी का क्लिपिंग दिखाई आपने श्रोताओं को उन्होंने जब राहुल गांधी जी डिसक्वालीफाई हुए कोर्ट का उनके ऊपर दो साल की सजा हुई तो उनका वक्तव्य है इंटरव्यू में बाकायदा के गांधी परिवार जैसे लोगों के लिए देश में अलग कानून होना चाहिए अब एबीपी माजा इसको सब्सक्राइब करता हो तो मुझे क्षमा करिएगा नहीं करता हो तो क्लिप जरूर देशवासियों को दिखाइए कि ये चाहते हैं कि देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और फिर क्या बोलते हैं कि के गुना के बारे में नहीं सेंटेंस के बारे में अलग कानून होना चाहिए यानी गुना आप कर सकते हो पर उस गुना का सेंटेंस आपके ऊपर खांडीकर जी आपके ऊपर मेरे ऊपर ज़्यादा लगेगा या आज के कानून के हिसाब से लगेगा गांधी परिवार स्पेशल है उनके लिए अलग कानून होना चाहिए जिससे उनको सजा नहीं भुगतनी पड़े अगर ये इस देश को मंजूर है और एबीपी माजा को मंजूर है तो ये बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी देश के लिए अतः अगर शेवट प्रश्न तुम चाह घर में आपके पिताजी बहुत बड़े राजनेता थे मम्मी जी थी आपने उनसे दोनों से आपके ऊपर क्या प्रभाव है आपने वेद जी से क्या सीखा मम्मी जी से क्या सीखा बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि मैं रोज सुबह अपने पूजा घर से जब पूजा करके निकलता हूँ तो मेरी माँ और पिताजी की फोटो लगी हुई है उनको मैं धन्यवाद रोज देता हूँ पिताजी ने मुझे सरलता सिखाई आप तो जानते थे उनको अच्छी तरह बहुत सरल स्वभाव के थे वेरी सिंपल लिविंग विचार भी बहुत सुबर रखते थे बात कम करते थे प्रधानमंत्री जी मुझे भी बार बार बोलते हैं कि भाई तुम भी बात कम करो सुनो ज़्यादा वो सरल स्वभाव शांत तो स्वभाव शांत स्वभाव वो उनसे मैंने सीखा शायद और सीखने की आवश्यकता है और कोशिश करते रहता हूँ पर थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि और काम करना है और काम करना है तो उसमें कभी कभी उत्तेजित भी हो जाता हूँ और माँ से सेवा भाव सीखा उन्होंने जिंदगी भर अपने आप को समाज सेविका के रूप में पेश किया पूरे सदन में भी लोग उनको मम्मी बुलाते थे कभी कोई पद की आशा नहीं की दो चुनाव भी लड़ने की आशा नहीं रखते थे पार्टी ने निर्णय किया कि वो लड़े और मुझे अभी भी याद है अटल जी उसके बाद जब आए जब उनका नाम मटूंगा के लिए घोषित हुआ बड़े नाराज हुए थे सब पे कि क्यों बहन जी को वहाँ पे खड़ा कर रहे हो और वो भी इतनी खराब सीट माटूगा तो सुब्रमण्यम फाइनेंस कांग्रेस के सरकार के उनकी सीट थी बीजेपी कभी जीती नहीं थी जनसंघ कभी जीती नहीं थी वो सीट पहली बार मम्मी जीती क्यों जीती समाज सेविका थी रात को तीन बजे कोई महिला के साथ अन्याय होता था मुझे उठाती थी पियूष गाड़ी निकालो हम जा पुलिस स्टेशन जाना कभी कोई ज्वेलर छोटे खुदरा व्यापारी या कोई छोटे ज्वेलर को उस जमाने में बहुत हेरे किया जाता था कि के झूठा केस करके उनसे पैसे हड़पने की कोशिश माँ गोपीनाथ मुंडे को रात को दो बजे उठा देती थी और मम्मी का फोन मतलब उठाई पड़ता था कि गोपीनाथ राव तुम्हारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं एक समाज में साधारण और और सीधा अपना साड़ी ऊपर करके फ्लड्स में एंटोपिल पूरा सॉल्ट पैन लैंड होने के कारण बारिश में एकदम फ्लडिंग हो जाती थी कल मैं किसी को बता रहा था किसी ने प्रश्न पूछा ये सॉल्ट पैन में अगर कभी स्लम रीडेवलपमेंट करोगे तो हमारे फ्लड का क्या होगा मैंने कहा बैलेंस करना पड़ेगा वी हैव टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस लेकिन जो वहाँ पे गरीब रहते हैं वो कोई शौक से नहीं रहते उनके जीवन का भी सोचिए कि उनको फ्लड से कितनी परेशानी होती है घर ध्वस्त हो जाते हैं रोड टूट जाती है तो समाज को बैलेंस करना पड़ेगा मत आ, आ, एक एक वर्ग है जो आ, एक ही चिंता में लगा रहे और गरीबों की चिंता ना करे तो वो देश हित में नहीं होगा बहुत बहुत धन्यवाद और बद, आपको शुभकामनाएं अगले इलेक्शन के लिए और हर चीज के लिए एक्चुअली अभी टाइम बहुत हो गया नहीं तो और एक घंटे भर हम लोग बात कर सकते थे लेकिन <laughs> फिर मौका मिलेगा आपके साथ <laughs> चर्चा के बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> फिर जी आज कट्ट्यावर मुंबई मुंबईबद्दलच्या तुमच्या अनेक आठवणींना उजाळा दिलात मुंबई सोबत असलेलं तुमचं सख्य किती आहे आणि मुंबईकरांसाठी तुम्हाला काय काय करायचं हेही सांगितलं मुंबईतना खऱ्या अर्थानं तुम्ही निवडून लोकसभेमध्ये जेव्हा जाल त्यावेळेस मुंबईकरांचा हाच विचार तुमच्यासाठी साठी प्राधान्य असेल आणि जे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले मुंबईच्या वतीनं त्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तुम्ही सदैव प्रयत्न कराल अशी अपेक्षा करतो कट्ट्यावर आलात आणि तुमचे विचार मांडले त्याबद्दल खरंच खूप खूप धन्यवाद खूप खूप आभार अगदी छान माझा कट्ट्यामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या घडामोडी आणि अपडेट जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा एबीपी माझा एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट